सकती है। कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद करने के साथ ही चार गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस लाइन के मनोरंजन सभागार में आयोजित की गयी प्रेस वार्ता में कोतवाली पुलिस एसटीएफ आगरा द्वारा हासिल की गई सफलता के बारे में जानकारी दी गई। कोतवाली पुलिस और आगरा एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 अगस्त के दिन मुखबिर की सूचना पर करण रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास करण रोड की तरफ से आ रहे ट्रक संख्या HR 55L 8335 को हिरासत में लिया, जिसमें जांच पड़ताल की गई तो ट्रक में गोपनीय रूप से बनाई गई केबिन में 205 किलो मादक द्रव्य पदार्थ गांजा बरामद किया गया। एसटीएफ और कोतवाली पुलिस ने माल बरामद करने के साथ ही चार गांजा तस्कर संतोष यादव पुत्र छोटे लाल निवासी हीरापुर, राकेश कुमार पुत्र योगेंद्र सिंह निवासी हमीरपुर, सुरजीत यादव पुत्र विक्रमपाल सिंह निवासी नगला बनवा जनपद एटा, उमेश यादव पुत्र स्वराज सिंह निवासी लालपुर जनपद कासगंज को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए मादक पदार्थ की कीमत करीब 41 लाख रुपए की आकी गयी है। पुलिस लाइन में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में माल के साथ चारों गांजा तस्करों के चेहरे मीडिया के सामने बेनकाब किए गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गांजा तस्कर हैं जो नशे का व्यापार करते थे, लेकिन अब यह पुलिस की हिरासत में है। पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। पिछले कुछ समय से एक सूचना मिल रही थी कि गांजे की तस्करी का एक रैकेट सक्रिय है, इसलिए इस बिंदु पर कुछ सर्विलांस की भी मदद ली गई, कुछ एसटीएफ की मदद ली गई और इसके बाद कल चार अभियुक्त जो संतोष, उमेश, राकेश और सुरजीत एटा और कासगंज के, तीन एटा के रहने वाले एक कासगंज का रहने वाला है, तो इनको कल दिन में अरेस्ट किया गया और इनके पास से एक ट्रक HR 55L 1835, इसमें केबिन के ऊपर एक कैविटी बनी थी जिसमें कि 2 क्विंटल 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इंस्पेक्टर कोतवाली COCT पूरी टीम इसमें लग करके और इसको फिर इस चारों अभियुक्तों को कब्जे में लिया गया है। अभी कई अभियुक्त हैं जो कि इसमें अभी गिरफ्तार किए जाने शेष हैं। एटा के पूछताछ में जानकारी आई है कि एटा और साथ में मुख्य सप्लायर जो है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, उसकी भी हम पुलिस कस्टडी डिमांड लेकर के और उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर, पकड़े गए आरोपियों को कोई पुराना इतिहास भी अभी तक? उन्होंने बताया है कि पहले भी हम लोग 2 बार इस ट्रक के माध्यम से कैरी कर चुके हैं, किंतु अभी तक क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी जो अपने जनपद में एटा में